यार ठंडी के मौसम में दस किलोमीटर भेड़ चराने जाना मतलब जो है आपके लिए कुछ नहीं है कुछ नहीं है अभी तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं है लेकिन आप लोग सोते होते कैसे कहाँ पे पे रहेंगे वहीं पे हम भी रहेंगे खेमा डाल के सोते हैं अरे हाँ। यार बड़ी ताजुब वाली बात है मेरे भाई ठंडी के मौसम में हाय मेरे दोस्तों कैसे हैं उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे तो जैसा कि देख सकते हैं अभी इस वक्त मैं हूँ गांव में और ये मेरा ननिहाल है और कभी ये तालाब हुआ करता था यहाँ पर हम लोग मच्छियाँ मारा करते थे अभी तो सूख चुका है और यहाँ पर जो है कि कुछ भाई लोग हैं भेड़ चरा रहे हैं जिसे भेड़ चरवाहा भी कह सकते हैं तो ये लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं और दो दो तीन तीन महीना ये लोग बाहर निकल करके ही भेड़ चराते रहते हैं और जहाँ पर इन्हें मिलती है जगह वहीं पर डाल देते हैं अपना खेमा और ठंड के मौसम में मेरे भाई इतनी ज़बरदस्त ठंड है देख सकते हैं मैं कितना पहना हुआ इतनी ज़बरदस्त ठंड लग रही है और ठंड में ये लोग भेड़ बकरिया चरा रहे हैं और सीमान में ही कहीं पर भी ये लोग खेमा डाल के रुक जा रहे हैं क्या बताएँ यार चलिए भाई से ज़रा बात करते हैं कितनी भेड़ चरा रहे हैं और उसका बाल कैसे बेचा जाता है और एक भेड़ की कितनी कीमत होती है तो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं भाई से जो भाई चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और देखिए ठंड के मौसम में भाई साहब यहाँ पर चरा रहे हैं भेड़ और भेड़ की तादाद है काफी ज्यादा देख रहे जरा तो इनसे बात करते हैं ये कहाँ से आए हुए हैं चराने के लिए और देखिए यार काफी भेड़ है छोटे बड़े बच्चे और बड़े भाई क्या हाल चाल है ये बच्चा कितने दिन का है ये भेड़ वाला हाँ अच्छा एक महीने का कहाँ से आए आप लोग आए बस से? निजाम बस से सोनवारा तक चले आए तकरीबन आठ दस किलोमीटर अरे आठ दस किलो तो कोई फर्क तो रही है कोई फर्क नहीं है यार ठंडी के मौसम में दस किलोमीटर भैर चराने जाना मतलब जो है आपके लिए कुछ नहीं है कुछ नहीं है अभी तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे कुछ पता नहीं रहने वाले कहाँ से है निजामबाग निजामबाग से तो अभी कहाँ तक जाएंगे आपको खुद नहीं पता तकरीबन कितने किलोमीटर तक जाएंगे अरे अभी हम हो सकता है तो मेहनगर डाल जाएंगे मेहनगर हाँ। यानी निजामबाद से मेहनगर तकरीबन बीस पच्चीस किलोमीटर हाँ। तो ऐसे ही चराते हुए रुकते हुए चले जाते हैं हाँ। और रुकते कहाँ पे है ऐसे ही जगह देखते हैं अगर जगह मिल गयी नहीं चलो ये भेड़ बकरी तो कहीं पर भी आप ऐसे जगह पर रोक सकते हैं लेकिन आप लोग सोते होते कैसे कहाँ पे जहाँ पे रहेंगे वहीं पे हम भी रहेंगे खेमा डाल के सोते हैं अरे यार बड़ी ताजुब वाली बात है मेरे भाई ठंडी के मौसम में ताजुब वाली बात कौन सी है अब मेरे भाई मैं तो अपनी लाइफ में जो है कि कभी ऐसा देखा नहीं हूँ बकरियां चराते हुए देखा हूँ लेकिन ऐसे नहीं देखा सऊदी अरबिया में मैं रहता हूँ लेकिन सऊदी अरबिया में ऐसे बकरिया चराते हैं है? लेकिन शाम के टाइम पे अपने खेमे पे लेके चले जाते हैं नहीं तो हम लोग खेमे पर नहीं जाएंगे अच्छा हम जहाँ शाम हुई वहीं पे रुक जाएंगे वहीं अपना खेमा डाल देंगे हाँ। खाने पीने का सुविधा कैसे होता है पानी वानी घर से राशन आता है अच्छा वहाँ से तो लेकर के आते हैं लोग हाँ, राशन साथ में लिए हैं अच्छा अच्छा शाम को बनाएंगे खाएंगे बनाएंगे खाएंगे सो जाएंगे हाँ। अच्छा अच्छा कितने ये कितने भेड़ है एक करीब ढाई सौ पड़ेगा अच्छा ये ढाई के आस में है तो ये बेचते हुए भी जाते हैं कि बस सिर्फ नहीं नहीं अभी तो ये सीजन नहीं है बेचने का अच्छा ये सीजन में सिर्फ बेचते हैं अच्छा अच्छा तो ये मतलब आप लोगों का ग्रुप होता है कि मतलब अकेले परिवार का है, नहीं, नहीं, है इसमें चार लोग अच्छा चार लोग पार्टनर है हाँ। अच्छा ये मतलब साल में बेचते होंगे ना हाँ साल में एक बार वही गर्मी में बाजार आती है तभी देख अच्छा और ये जो इसका बाल है लोग कहते हैं कि इसके बाल का कंबल जैकेट ये सब बनती है तो इसका बाल भी निकाल के बेचते है तो कैसे किलो बिकता है हाँ। कि कैसे किलो का हिसाब कैसे किलो बिकता है अब जैसे बाजार आ जाए फिर भी तकरीबन ताकि हमारे जो पब्लिक देख देखेगी वीडियो ना तो उनको भी पता चले ये चीजे तो तकरीबन कैसे किलो भेड़ के जो भेड़ का बाल बिक जाता ए, है तकरीबन ये मान के चले ढाई तीन सौ रूपए किलो बिकता है ढाई तीन सौ रूपए किलो इसका बाल एक भेड़ में कितना बाल निकल जाता है एक भेड़ में बहुत निकलेगा सौ या डेढ़ सौ ग्राम मिलेगा बस सौ डेढ़ सौ अरे यानी ये आपके पास ये दो सौ भेड़ की तादाद है तो ये दो सौ भेड़ में लमसम कितना किलो निकल जाता होगा बाल ये मान के चलिए लगभग एक कुंटल निकल जाता है uh, तो यानी तकरीबन का कितना रुपया हो गया तीस पैंतीस हजार रुपया तीस पैंतीस हजार रुपया बन जाता है तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा जैसे बाल बे, इसका बेच करके और भेड़ का बच्चा बेच करके साल में कितनी इनकम हो जाती होगी तकरीबन लमसम लमसम देखिए ये सब तो देने वाले के ऊपर है ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि हाँ। रोजी रोटी की ये है अब इसमें जो बच्चे है ये हम निकालेंगे अब इसमें से जितने बच्चे बच जाएंगे हाँ। मरने से हाँ। वही निकालेंगे अच्छा मरते भी हैं लमसम साल में कितने बच्चे मर जाते आपके हुंगे? बीमारी आएगी तो अब नहीं मरेंगे नहीं नहीं वो तो मरते हैं लेकिन लमसम लमसम कितने बच्चे मर जाते होंगे अरे लमसम ये समझ लीजिए की पचास साठ तो निकली जाए पचास साठ बच्चे मर जाते हैं और पचास साठ बच जाते हैं एक भेड़ कितना बच्चा देती है एक बच्चा बस एक ही बच्चा बकरियां तो तीन तीन चरचर देती है बकरिया अच्छा एक ही देती है एक बच, एक जो है एक ही बच्चा देती है ये भी आपके पार्टनर है और भाई क्या हाल है ठीक है ठीक है सब मजे में है यही भाई से इंटरव्यू ले रहे थे थोड़ी जानकारी ले रहे थे क्योंकि हमको भी उतनी जानकारी नहीं भेड़ के बारे में तो सोचा कि जो है कुछ देखा देखे भेड़िया काफी जबरदस्त बाल भी मजे के आ चुके हैं देखिए अभी तो इसके वजह से साल में एक साल में कितनी दफा बाल काटते होंगे एक साल में तीन बाल काटते तीन बार हाँ। चलिए ऊपर वाला और आपको जो है कि रोजी रोटी में बरकत दे और सेहत दे क्योंकि भाई मुझे तो बहुत ही ताजुब हो रहा है यार घर द्वारा छोड़ के कहीं भी खेमा डाल के रुक जाते हैं ठंडी के मौसम में तो ठंडी में ही निकलते हैं कि हर साल पूरे साल नहीं, नहीं। गर्मी में तो हमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन ठंडी में है दिक्कत चराने के लिए इनको हाँ, क्योंकि जगह नहीं मिलती बराबर हर जगह गेहूँ बो जाता हाँ, है सरसों वगैरह तो ऐसे जैसे आपके यहाँ यह मिल गया हाँ, फिर यहाँ से आगे मिल गए हाँ, बड़े मतलब तो जो ये जगह आपको मिलते हाँ ऐसे ऐसे खाली जगह आप लोग हाँ, ढूंढते रहते हैं जहाँ मिल गयी वहाँ पे चराने लगते है हाँ, के वहीं पर रोक देते हैं फिर, फिर वहीं पे रुक जाते हैं फिर हाँ, अपना खेमा डाल के खाना पीना पकाना सब, सब कुछ हाँ, वहीं पे हो जाता है हाँ, फिर सुबह में यहाँ से निकल के फिर दूसरी जगह हाँ, जबरदस्त बहुत हाँ, ही अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात वैसे तो ये जो तालाब देख रहे है न हाँ, इसमें हम लोग का बचपना गुजरा हुआ है मछली मारते थे नहाते थे पहले उस साइड में कपड़ा धुला जाता था जहाँ लकड़ियाँ रखी है पूरा धोबी घाट हुआ करता था तभी तो तकरीबन हमको भी छोड़े गांव बीस साल हो गया हाँ हाँ। परदेश पकड़ लिए तो कहाँ आना जाना उतना है वो तो है हाँ। जो गया गया वो भूल गया। हाँ। <laughs> तो धीरे धीरे फिर मुंबई पकड़ लिए मुंबई में रहने लगे हाँ। बहरहाल हाँ। तो देखे मेरे भाई एकदम सेम टू सेम यही कंडीशन जो आप जैसे ये बकरियां चरा रहे हैं ना सऊदी अरेबिया में भी ऐसे ही चलाते हैं हाँ। लेकिन फिर वो शाम को अपने रूम पे लेकर के जाते तो हम लोग रूम पे नहीं जाते हाँ ये तो निकल गए तीन तीन महीने दो दो महीने तक बाहर ही रहते हैं बहुत ही चलिए बहुत अच्छी बात है भाई भैया देखिए उधर भाग रही है आपकी भेड़ा जी ये देखिए काफी ये अभी फिलहाल दो सौ भेड़ है ना ये देखिए तीन चार लोग का ग्रुप होता है ऐसे ही जो अपनी देख रेख करते हैं ये लोग ऐसे ही खाली जगह ढूंढते रहते हैं जहाँ खाली जगह मिल गई फिर वहाँ पे जो है चराना शुरू कर देते हैं वैसे इसका मन पसंदीद खाना कौन सा भाई दूब है बरसिंग है क्या है दूब है और बरसिम बरसिम भी अच्छा बरसिम भी खाती है और जैसे ये खुदी ख, खरी और कुछ खा लेती है अच्छा यानी बकरी वाला ही हिसाब किताब भी इनका भी वैसे ये लाल वाला बच्चा कितने दिन का है ये है तीन महीने महीने का है ये। अच्छा ये छोटा वाला ये तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा बीस दिन का अरे वाह चलिए बहुत ही अच्छी बात है वैसे भेड़ कौन लोग ज्यादातर खरीद के ले जाते हैं काटने उठने के लिए मतलब कैसे पालने के लिए ये तो माल सीधे जाता है बाहर के लिए बाहर कंट्री कंट्रीट्री अच्छा अच्छा आप आप लोग के यहाँ से भी डायरेक्ट बाहर कंट्री जाता है सीधा दिल्ली दिल्ली से बाहर अच्छा दिल्ली से बाहर तो मान लीजिए जैसे ये एक भेड़ है मान लीजिए एक साल का है तो ये लमसम कितने का चला जाता है कम से कम सात हजार अच्छा अच्छा और इनकी लाइफ कितनी होती है मतलब जिंदगी ये कितने साल तक जीते हैं बीमारी ना हो तो दस साल तक जीते हैं। अच्छा दस साल इनकी लाइफ होती है जैसे मान लीजिए ये बच्चा है जैसे मान लीजिए वो बच्ची है छोटी सी वो कितने महीने के बाद फिर वो मतलब गाभिन हो जाती बच्चा देने लगती एक साल, एक साल के बाद चलिए देख लीजिए भाई ऐसे ही जो है यहाँ पर लोग चरा रहे हैं ज़बरदस्त यार वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा तो चलिए फिर किसी और वीडियो में लेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखना दुआ में याद रखना